अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम अब हम आपको दिखा रहे हैं मानसेरा टू नारायण कागन वीडियो पार्ट टू। तो आप मेरे साथ रहें और वीडियो को एंजॉय करें और रास्तों की मालूमात भी आपको देता जाऊंगा मैं। तो ये मानसेरा मोटरवे से अब मैं निकल चुका हूं और मैं आ चुका हूं शंकियारी की तरफ। ये मानसेरा से पहले एक छोटा सा कस्बा है, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है जिस पे गाड़ी थोड़ी सी डामाडोल होती है, लेकिन ये कि आप अच्छी तरीके से यहाँ ड्राइव कर लेंगे। थोड़ा बहुत रोड ख़राब है ये। या आप यहाँ से सीधे चलते रहें, अभी हम जा रहे हैं मानसेरा सिटी की जानब। आप बाईपास से भी जा सकते हैं लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है मानसेरा से। यहाँ के व्यू आपको अच्छे लगेंगे और रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप्स भी मिलेंगी, फल फ्रूट की छोटी दुकानें भी मिलेंगी आपको, और थोड़ा सा रास्ता आपको कच्चा मिलेगा यहाँ से उतरने के बाद। ये अभी सामने एक पेट्रोल पंप ज़ेर तामीर है। तो यहाँ पे थोड़ी ड्राइव एहतियात से करें क्योंकि यहाँ पे अचानक ही बच्चे खेलते हुए सामने आ जाते हैं। ये देखें सामने ट्रैक्टर आ गया। तो ड्राइव थोड़ी सी एहतियात से करें और उतराई है और ख़ास तौर पर बारिश में यहाँ ड्राइव आप थोड़े स्लो करें। अब देखें आप सामने आपको मानसेरा सिटी नीचे के साइड पे दिख रहा है, ये ऊपर के साइड पे रोड है। तो अब हम आ चुके हैं मानसेरा सिटी में एंटर होने के लिए। यहाँ पे आपने एहतियात से ड्राइव करनी है, रोड बहुत ख़राब है। अगर आप बाईपास से जाएंगे तो बाईपास से अच्छा आपको रोड मिल जाएगा। आप यहाँ से जाने से बेहतर है बाईपास से जाएं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। ये देखें सामने आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक, सब्ज़ी, जो चीज़ लेना चाहें आपको यहाँ सब मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं मानसेरा सिटी के अंदर। अब आप यहाँ से नारायण कागन जाने के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। उसके बाद आपको राइट पे मुड़ना पड़ेगा। राइट पे आपको नारायण कागन का बोर्ड नज़र आएगा, उसी रोड पे आपको सीधा जाना है। अगर आपको यहाँ के मशहूर शपली कबाब खाने तो फिर आप सीधे चले हैं। आपको ये नारायण कागन का बोर्ड नज़र आएगा, उससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे आएंगे तो मानसेरा मोटरवे का बोर्ड आने से आएगा वहाँ पर। उससे पहले आप चपली वहाँ के बाला अपना मानसेरा के चपली कबाब किसी से पूछेंगे, वो आपको रास्ता बता देगा। लेकिन अब हम ये जा रहे हैं नारायण कागन की साइड पर, तो अभी हम जाएँगे बालाकोट यहाँ से।
अब आपको यहाँ के नज़ारे खूबसूरत देखने को मिलेंगे, ग्रीनरी आपको ख़ास तौर पर बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन यार ड्राइव बड़ी एहतियात से करें आप। ये देखें बोर्ड, देखा आपने नारायण कागान का बोर्ड गया है ये। या आप राइट पे मुड़ेंगे तो एपटाबाद का रोड है ये, और आप सीधा जाएंगे तो मानसेरा। ये अभी आप मानसेरा से गुजरें और कश्मीर वगैरह जाना है आपको। ये थोड़ा सा अभी रोड ज़ेर तामीर है, इस पर काम अभी जारी है। ये देखें व्यू कितना ज़बरदस्त है मानसेरा का। हम भी थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहे हैं, एहतियात से चलाएं, अचानक बाइक वाले सामने आ जाते हैं यहाँ से। जैसे अभी आपने देखा ये लेडीज़ मेरे अभी आगे से निकली हैं और अभी तक आगे ही चल रही हैं। स्लो स्लो आप ड्राइव करें यहाँ से। यहाँ पे चढ़ाई और उतराई बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास जो गाड़ी के अंदर ब्रेक पैड हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और छोटे गियरों में आप गाड़ी चलाएं यहाँ पे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके रास्ते में खूबसूरती में इजाफा होता जाएगा। आप ये देखें सामने पहाड़, ग्रीनरी बढ़ती जा रही है और आबादी भी कम होती जाएगी। आबादी देखें दूर दूर होती जाएगी और आप आराम से ड्राइव करते जाएंगे। लेकिन अब जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही स्लो ड्राइव करनी पड़ेगी आपको और एहतियात से। ये देखें कितना खूबसूरती आती जा रही है रास्ते में। अब हम आ रहे हैं बाईपास की तरफ। ये बाईपास आपको लेके आएगा सीधा बालाकोट। ये देखें खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे आके आपकी आंखों को बहुत ठंडक मिलेगी क्योंकि ये ठंडा इलाका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।